दोस्तों आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बॉलीवुड सिंगर के बारे में जिन्हें नेशनल सहित कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं और जो अपनी शादी के 6 साल बाद हमें गुड न्यूज़ देने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट पेड फेमस प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल की। दोस्तों आज हम इस वीडियो में श्रेया घोषाल की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप श्रेया घोषाल के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों इनका रियल नेम है श्रेया घोषाल और इनका निकनेम पीयू है। प्रोफेशन से एक प्लेबैक सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर हैं। दोस्तों श्रेया घोषाल का जन्म मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में 12 मार्च 1984 को हुआ और 2021 के हिसाब से इनकी एज है 37 ईयर। दोस्तों श्रेया घोषाल एक बंगाली हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं। श्रेया घोषाल के फादर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इनकी माँ शर्मिष्ठा एक लिटरेचर हैं। दोस्तों श्रेया घोषाल ने अपनी स्कूलिंग एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से की है और उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सीस कॉलेज से की है। दोस्तों श्रेया घोषाल बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहती थी। जब वो सिर्फ 6 साल की थी तभी से वो अपनी माँ के साथ बंगाली सॉन्ग की प्रैक्टिस किया करती थी। इनके टैलेंट को देखते हुए इनके फादर ने इनका एडमिशन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में करवा दिया, जहाँ उन्होंने लगातार 6 सालों तक म्यूजिक सीखा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं श्रेया घोषाल के कैरियर के बारे में। दोस्तों श्रेया घोषाल ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2000 में जी टीवी की म्यूजिक रियलिटी शो सारेगामा पा में पार्ट लेकर किया, जिसकी वो विनर रही और उन्हें इस शो के जीतने के बाद 5 लाख रुपए प्राइज मनी भी मिला। दोस्तों इस म्यूजिक शो में इनकी गुड परफॉर्मेंस की वजह से बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने श्रेया को उनकी मूवी देवदास के लिए साइन कर लिया और इस मूवी के लिए श्रेया घोषाल ने कुल 5 सॉन्ग रिकॉर्ड किए, जिनमें से इनके 2 सॉन्ग हिट हो गए जिनके नाम थे बैरी पिया और डोला रे डोला। और श्रेया घोषाल को इनके फर्स्ट सॉन्ग के लिए ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला और यहां से श्रेया घोषाल की कामयाबी का सफ़र शुरू हो गया। दोस्तों इसके बाद श्रेया घोषाल को बॉलीवुड फिल्मों में सॉन्ग के लिए ऑफर आने लगे और 2005 में श्रेया घोषाल ने बॉलीवुड की फेमस सिंगर हिमेश रेशमिया के साथ एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था आशिक बनाया आपने, जो सुपर डुपर हिट रहा। दोस्तों इसके बाद 2007 में श्रेया घोषाल ने जब वी मेट मूवी में एक सॉन्ग गाया जिसका नाम था ए इश्क हाय, जो लोगों के दिलों पर राज करने लगा और इस गाने से श्रेया घोषाल ने लोगों के दिलों में एक अलग ही पहचान बना ली। दोस्तों 2012 में श्रेया ने अग्निपथ मूवी में एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया जिसका नाम था चिकनी चमेली। श्रेया का ये सॉन्ग रिलीज होते ही तबाही मचा दिया और धीरे धीरे श्रेया घोषाल बॉलीवुड की फेमस प्लेबैक सिंगर की लिस्ट में शामिल हो गई। दोस्तों इसके अलावा श्रेया घोषाल ने मराठी, तमिल और बंगाली मूवीज के लिए भी कई सॉन्ग गाए हैं। दोस्तों श्रेया घोषाल ने अपने करियर में कई सारे सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं जिनके नाम हैं डोला रे डोला, चिकनी चमेली, सुन रहा है ना तू और हमारी अधूरी कहानी। और अभी रिसेंटली कलंक मूवी में उनका एक सॉन्ग रिलीज हुआ था जिसका नाम था घर मोरे परदेसिया। और आप सब हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि श्रेया घोषाल का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट सॉन्ग है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं श्रेया घोषाल के अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों श्रेया घोषाल को डिफरेंट कैटेगरीज में कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं श्रेया घोषाल के फैमिली के बारे में। दोस्तों श्रेया घोषाल के फादर का नाम है विश्वजीत घोषाल और इनकी माँ का नाम है शर्मिष्ठा घोषाल। दोस्तों श्रेया घोषाल के भाई का नाम है सौम्यदीप घोषाल। दोस्तों श्रेया घोषाल के हस्बैंड का नाम है शीलादित्य। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं श्रेया घोषाल के हाउस के बारे में। दोस्तों श्रेया घोषाल वेस्ट बंगाल में रहती हैं अपने फैमिली के साथ और इनके इस घर का प्राइस है लगभग 6 करोड़ रुपये, जैसा कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं श्रेया घोषाल के कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इनके पास फर्स्ट कार है BMW 7 सीरीज जिसकी कीमत है 1,50,00,000 रुपये। दोस्तों श्रेया घोषाल के पास सेकेंड कार है ऑडी A8 जिसकी कीमत है 1,60,00,000 रुपये।
दोस्तों इसके अलावा श्रेया घोषाल के पास मर्सिडीज बेंज की एसयूवी कार भी है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं श्रेया घोषाल की इनकम के बारे में। दोस्तों श्रेया घोषाल पर सॉन्ग 30 लाख रुपए चार्ज करती हैं और इसके अलावा श्रेया घोषाल एक कंसर्ट का 50 लाख रुपए चार्ज करती हैं। दोस्तों श्रेया घोषाल किसी शो को होस्ट करने का 35 लाख रुपए चार्ज करती हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं श्रेया घोषाल के नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों 2021 के हिसाब से श्रेया घोषाल की नेटवर्थ है 365 करोड़ रुपए। तो ये थी श्रेया घोषाल की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप श्रेया घोषाल के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो आप किस सिंगर पर चाहते हो।